वो तेरी बुआ बैठी थी ना, तो ऐसे बोलना पड़ता है। और बात सुन, और दो चार ना टकीले का भी इंतजाम कर दियो। और जब से ही सैनिटाइजर लगाता हूँ ना, और टकीले की बड़ी याद आती है। बस इतनी सी बात थी, मतलब फूफा जी यार पहले बता देते। गरम है बुड्ढा यार, समझाना यार बुड्ढे को। मतलब मैं किसका फूफा, किसी की शादी में ऐसे मतलब नाराज होता है जैसे मेरा हो रहा है। अब तू पहली बार शादी कर रहा है क्या भाई? सबकी शादी में सबके फूफे नाराज होते हैं यार। एक तो ये गिन्नी भी ना फंसा देती यार हमेशा। मैंने इसको बोला था बहन जा कोविड के बाद करा लियो शादी, लेकिन नहीं, इसको अभी कराने की चुल मची हुई थी। अबे तो सही तो है यार, कम लोग कम खर्चा कम बसल। घंटा कम खर्चा बेटा, कोविड में कर रहे हो शादी बेटा, कोविड में कहाँ होने खर्चे, कहाँ होने खर्चे। बोल बोल के चूत काट रखा मेरा, इन लोगों ने लाखों रुपए के बिल फाड़ रखे। कम खर्चा। सुन मैं फोन काट रहा हूँ, दोबारा कॉल बैक कर। बुड्ढे को लगेगा तूने उसी को कॉल करा है, थोड़ा सा इजी होगा उसे इंप्रेस करना। ठीक है चल, बाय 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 बाय। बुब्बा जी नमस्ते। नमस्ते बुब्बा जी, मैं क्या पैरी पौना, कैसे हो? अब फोन बंद कर इसको, मैंने नहीं बात करनी तेरे से। और बंद कर इसको। बुब्बा जी बात सुनो तो मेरी, आप सुन तो लो। ओ बेटा अब सुनने सुनाने के लिए रखा ही क्या है तुमने? ओ आप लोगों ने तो हमसे रिश्ता ही खत्म कर दिया है, अब ये सब फॉर्मेलिटियों की क्या जरूरत है ये बताओ। अरे हम कोई आप लोगों से नाराज नहीं है, बट हाँ आप लोगों ने हमें ये बता दिया कि हम लोगों की क्या जगह है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू है आपका। और सुन ऑल द बेस्ट हैप्पी मैरिड लाइफ। हाँ जी क्या है, मतलब आप सुबह सुबह पी रहे हो आप? ओए ओ भाई ये आइस टी है लेमन फ्लेवर। अच्छा ठीक है आप पियो आइस टी पियो, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि ये देखो जी अगर आप ऐसे करोगे तो मतलब कैसे चलेगा ना, मतलब कैसे हम लोग कैसे कर पाएंगे ये सारी चीजें। और दूसरा ये कि मतलब कोरोना का टाइम है, वो मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का भी तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा ना बेटा। सारी डिस्टेंसिंग सिर्फ हमसे ही करिए तुम हैं भाई। एक बात बता, वो जो तेरी बीवी आएगी उससे भी तो 6 फुट दूर रहेगा हैं? या सिर्फ कोरोना हम लोगों के लिए ही है, उसके लिए नहीं है? ऐसा नहीं है पुब्बा जी, अब आप हमारी प्रॉब्लम भी तो समझो ना, मतलब कि गवर्नमेंट ने सिर्फ 100 लोगों को बुलाने की परमिशन दी है, मतलब वरना हम भी तो बुलाते ना और लोगों को फिर। हाँ बेटे वो 100 लोगों में भी तूने हमें नहीं बुलाया। बेटा एक बात सुन, रोज सुबह सबसे पहले विदाउट फेल मेरा तेरे को और तेरे पापा जी को दोनों को सबसे पहला गुड मॉर्निंग का मैसेज आता है। और एक तो आप हैं जो कभी हमारे को यहाँ पे रिप्लाई तक नहीं करते हो। ओए कमाल है, तेरा मैसेज आया देखो। ये देख बोस रोज सुबह सुबह मैसेज क्यों करता है। नहीं नहीं क्या बोल रहे हो फूफा जी, नहीं कि फूफा जी को तुम ऐसे नहीं, नहीं, नहीं भेजा, ये आपको कोई गलतफहमी होगी। मतलब क्या नंबर है बताओ, मुझे नंबर बताओ, मतलब मैं कैसे थोड़ी ना आपको मैसेज कभी कर सकता हूँ, मतलब ये क्या बात होगी, आप कुछ भी बोले जा रहे हो अब। एक मिनट बेटा एक मिनट। हाँ 8820 हैं 59909 ये तेरा नंबर तो है। नहीं देखा, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये मेरा नंबर थोड़ी ना है, गलत फहमी हुई आपको। ये मेरा नंबर नहीं है, किसी और ने भेजा है आपको। हाँ। मैं सोचूं मैं थोड़ी ना आपको ऐसे मैसेज करूंगा पापा जी। देख बेटा बेल बज रही होगी। नहीं नहीं वो एक मिनट पापा जी, एक मिनट मुझे कॉल आ रही है, एक मिनट। हेलो हाँ बेटा मैं बोल रहा हूँ। कौन? अबे मैं बोल रहा हूँ तेरा फूफा। कौन बोल रहा है मैं क्या नाम नहीं है क्या? एक पापा जी एक मिनट। अबे फूफा मैं ही बोल रहा हूँ। कौन? अबे फूफा मैं, यहाँ से वहाँ। हाँ तू क्या मेरे को बेवकूफ समझ रखा है कि नंबर तेरा नहीं है? वो फूफा जी वो मेरा फोन चोरी हो गया था 2 हफ्ते पहले, और इसलिए आपका नंबर नहीं सेव करा था मैंने। और आप ही जानते हो मतलब फूफा जी, मतलब यार नंबर सेव करा या नहीं करा क्या फर्क पड़ता है, दिल में जगह होनी चाहिए, व्हाट्सएप पे नहीं है। अबे ओ दिल में जगह होती ना तो मैं भी कार्ड भेज देता। किसी को कार्ड वार्ड नहीं भेजा है, वो बस राशि ने सिर्फ मतलब एक रेयॉन से पेंटिंग बना के भेज दी, मतलब वही है कार्ड, कोई नहीं गया कार्ड किसी को भी। राशि अगर हमें अपना मानती तो हमें भी भेज सकती थी। अरे भैया थोड़ा उसे भी ख्याल रखना चाहिए, फैमिली और फैमिली की वैल्यू का। क्या बोले जा रहे हो यार, 11 साल की बच्ची है राशि, मतलब स्नैपचैट पे जब फोटो डालती है वो गंजे लड़के को फिल्टर करके, तब बच्ची नहीं है। और
हमें भूल गई, ये तो बच्ची है। अरे पुप्पा जी, अच्छा सुनो तो मेरी बात सुनो ना, इतना नाराज नहीं होते। आप एक काम करना, आप वीडियो कॉल पे ज्वाइन कर लेना हमें, मतलब बढ़िया सा कुर्ता पजामा पहन के एकदम, तो अपने बाल बना के राजेश खन्ना जैसे है। रिपब्लिक देखता हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि बिल्कुल ही हूँ, समझा। और हम क्यों हैं भैया कार्गो बन के मैं तुम्हारी शादी में, गिन्नी वेड सन्नी, तुम लोग वहाँ पे खाओ बिरयानियाँ और हम यहाँ पे खाएं खिचड़ी। वाह जी वाह, ये नहीं है कि तुम लोग वहाँ पे बैठे रहो और हम तुम्हें देख के यूं हाथ हिलाते फिरे। अच्छा ठीक है, आप मुझे बताओ क्या हिलाओगे, मतलब क्या खाओगे, क्या खाओगे। इतने भी ऊपर वाले ने बुरे दिन नहीं दिए कि जी किसी से हम मांग के खाने की जरूरत पड़े। और भैया तो हमारे खाने वाने की फिक्र छोड़, बात सुन पीने का इंतजाम कर दियो। है पुप्पा जी कमाल है, मतलब यही लेमन वाली। और नहीं, और नहीं वो तेरी बुआ बैठी थी ना, वैसे बोलना पड़ता है। और बात सुन, और दो चार ना टकीले का भी इंतजाम कर दियो। और जब से ही सैनिटाइजर लगाता हूँ ना, और टकीले की बड़ी याद आती है। बस इतनी सी बात थी, मतलब पुप्पा जी यार पहले बता देते। सुनो एक काम करता हूँ, मटन भी भिजवा देता हूँ, चुपचाप किसी कोने में बैठ के खा लेना, वरना आपकी बीवी दोनों को जीने नहीं देगी। ठीक है, ओके डन। डन डन। अरे यही तो स्माइल देख रही थी पुप्पा जी, यार आप भी मतलब इतनी सी बात थी, इतना नाराज रहते हो, मतलब अब तो नाराज नहीं हो ना। और मैं तेरा फूफा हूँ, और फूफे का नाराज होना ना बड़ा अच्छा शगुन होता है। अरे ये बात थी, खुश रह तू। तो पहले बता देते, चीयर्स चीयर्स चीयर्स, आई लव यू पुप्पा जी। और सेम हेयर पुत्र, खुश रह, टेक केयर टेक केयर बाय। शगुन होता है शादी में नाराज ना। Hi guys, this is Vikrant Massey and you're watching me on Men's XP. Guinea Wet Sunny is out. Please go watch it with your friends and family and do not forget to recommend it to your friends too. Thank you so much and do not forget to like, share and subscribe to Men's XP.